मजा आ जाएगा खाने में, नाश्ता करने में। कंगना भी मेहनत कर रही है क्या? तू क्या कर रही है? मैं टाइम से बेली खाली सारा बेलत है। हाँ, बच्चे भी तुम्हारे समझदार हैं, लेकिन है? जैसे तुम समझदार हो वैसे ही बच्चे भी समझदार हो। अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। मन करता है कि क्या दे दूँ तुम लोग को यार, कहाँ से क्या ले आके तुम लोग को दे दूँ एकदम। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? हाँ, तुमको नहीं, तुम्हारी मम्मी को। तुमको तो बुक्स लाई, बुक्स चाहिए, बुक्स तक जाएंगे। अब समय के हिसाब से बदलता रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चीज। समय के हिसाब से कौन कौन इतना बड़का ख्वाब बा हमारा, पता नहीं कि जब ख्वाब कितना तक बा। नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब चीजों की आइटम। भाई पांच ऑर्डर मम्मी, इसमें मत रखो पाप, कुछ प्लेट ले। ये सारा बन के कंप्लीट हो गया, अब थक गई, अब बिछावन पे चली गई। हाँ, कब से बना रही थी इतने देर? 8:30 बजे से। हाँ, 11:30 हो गया, लेकिन आँखें जल रही है मम्मी। कंगना भी साथ में बनवा रही थी। मैं तो बेटे लेटर का सरे हम तो क्या मैं थिया तक थिया हुआ। थक गई, थक गई, दे तकिया, दे तकिया, दे मम्मी को। अरे भैया देखो पूरा जैसे लग रहा है ना, छठ पूजा नहीं होता है, छठ पूजा तो जैसे रखते हैं नीचे, यहाँ बनाते हैं साइड में, वैसे सारा लग रहा है। देखो सिलेंडर सब कुछ ऐसे। दाल भात बनाने वाली औरत सबसे बड़का काम पड़ी होती है बनाते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, खोआ की गुजिया मैडम बनाई है, और बड़ी मेहनत और श्रद्धा से बनाई है। सुबह में सामान रख के गया था सारा, और ये सब बना के रखी है, और बहुत अच्छा लगता है ये मुझे खाने में, मीठा होता है ना। तो बहुत दिन के बाद सोचते 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 ये प्लान बना कि फिर बनाते हैं। मैं खाया तो बहुत सारा बना दी है, अब नाश्ता में हम लोग करेंगे। खासकर मुझे अच्छा लगता है, और मैं डेली नाश्ता किया करूँगा इसको, 2-4 गुजिया तो डेली खा ही लूँगा। दोस्तों आप लोग भी ट्राई कीजिए, अपने घर में बनाइए। चलिए अब गुजिया का स्वाद लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई पकवान बनाएंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हो सके तो अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।